दोस्तों आज है संडे। संडे वैसे फंडे के रूप में होता है, पर लेकिन थोड़ा सा इसको स्टडी डे भी बना लेते हैं। एक ओवरव्यू लेंगे आज के न्यूज़पेपर का, ताकि आज क्या घटित हुआ, आज मतलब आज के न्यूज़पेपर में क्या देखने को मिल रहा है जो कि कल घटित हुआ, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑलरेडी कोरोना की वैसे पूरे देश में जो है वो त्राही माम है। इसी के साथ में अभी साइक्लोन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों के बावजूद भी हम लोग डटकर खड़े हुए हैं, जिस तरीके से सामना कर रहे हैं इन सारी चीजों का, तो ये थम्सअप यानी कि सैल्यूट करने वाली बात है। अभी एक बच्चे के द्वारा एक पिक्चर शेयर की गई थी, वो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की। बहुत सारे एसएलवी फैमिली के जो मेंबर हैं या फिर एसएलवी आर्मी आप लोग बोल सकते हैं, ये सारे आगे आ रहे हैं निकलकर। जितना अपने आपसे हेल्प हो सकती है वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये इस तरीके कोई भी चीज होती है तो आप लोग शेयर करा करो, जो कि अपना खासकर जो मेल है studylovervir@gmail.com वहां पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आप लोग उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसी कोई भी चीज आप लोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएट करने वाली चीजें हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो है अपनी लाइफ में आज के डेट में किसी न किसी मुकाम पर जूझ रहा है। तो इस जूझते हुए टाइम में भी अगर हम लोग किसी और के बारे में सोच रहे हैं, यार इससे बड़ा बड़प्पन और क्या हो सकता है। यानी कि अपने जो एक तरीके से निस्वार्थ हम लोग दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये रियलिटी में एक सैल्यूट करने वाली बात है। तो इसी तरीके से लगे रहिए, जितना भी अपनी साइड से आप लोग कर सकते हैं, जो भी हेल्प लोगों की, तो वो जरूर कीजिए। अभी कोरोना की वैसे प्रॉब्लम आप लोग देख ही रहे थे, अब एक नई दिक्कत देखने को मिल रही है साइक्लोन की। तो ये जो साइक्लोन है अभी यहां पर हमारी कंट्री में ये देखने को मिल रहा है, कहां पर, अरेबियन सी वाले रीजन में। ठीक है, नॉर्मली मैक्सिमम साइक्लोन अगर आप लोगों से पूछे कि बे ऑफ बंगाल में आते हैं या फिर अरेबियन सी में आते हैं, तो याद रखिएगा पूरा साइक्लोन बनने का जो माहौल रहता है वो अच्छा मिलता है बे ऑफ बंगाल में। तो इसलिए मैक्सिमम जो साइक्लोन आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। अरेबियन सी में कम साइक्लोन आते हैं, पर लेकिन जो भी साइक्लोन आते हैं उनकी इंटेंसिटी जो है कई बार काफी ज्यादा रहती है। ये जो साइक्लोन है अभी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्या क्या चीजें हैं, कुछ एक बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा, तो फिर हम लोग कुछ चीजें डिटेल में समझेंगे। अभी अगर बात करें जो साइक्लोन है, ये हमारे एरिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इंडिया वाले एरिया में जाएंगे तो आप लोग इसको साइक्लोन बोलेंगे। ये मैच करने के लिए कई बार आ जाता है। अगर आप लोग जाएंगे जापान वाले रीजन में तो इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। वही तरीका है जैसे साइक्लोन बनता है, वही सारी चीजें जिस तरीके से आप लोग समझते हैं, ये ज्योग्राफी के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही सारा पैटर्न है, पर लेकिन नाम अलग अलग है। आप लोगों ने देखा कई बार घर पे चिंटू मिंटू पिंटू, पर लेकिन आगे जाएगा कहीं पर तो बोलेंगे उसे महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से है, बस सब अपना अपना नाम रखते हैं। ये इसको अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका की साइड में जाएंगे तो इसको हुरिकेन के नाम से जानते हैं यहां पर इसको, और अगर आप लोग यहां पर नीचे आएंगे थोड़ा तो यहां पर इसको ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में साइक्लोन बोलते हैं, पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल नाम से भी इसको पुकारा जाता है, इसको विली विली के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। तो ये कोई भी नाम आप लोगों को कोई बोले तो आप लोग इनका नाम याद रखेगा, ये चीज एक ही है, तरीका एक ही है, बस ये है कि उनके नाम अलग अलग रख दिए गए। जैसे घर में कुछ और नाम, ऑफिस में कुछ और नाम, और रिलेशनशिप में आप लोग जानते हैं कि सोना बाबू टोना, वो सारी चीज चलती है, तो अलग अलग नाम है एक ही चीज के। ठीक है, तो ये बातें आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। साइक्लोन का अगर आप लोग तरीका देखेगा तो साइक्लोन कैसे, यहां पर जैसे जनवरी और फरवरी में इनकी इंटेंसिटी जो रहती है वो लो रहती है, आगे मई में चलकर इनकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा हाई आप लोगों को देखने को मिलेगी, और नवंबर दिसंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकी इंटेंसिटी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक फिनोमिनन है जो साइक्लोन अभी इंडियन जो नॉर्थ जो खासकर नॉर्थ इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें किस तरीके से साइक्लोन आते हैं। तो मई के महीने में यहां पर देखने को मिलेगा, और फिर ये जंप जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में। तो कल जब मैं आप लोगों को पीआईबी पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ में एक उदाहरण शेयर किया था, तो उसी के साथ में आप लोग इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जब कोविड-19 आया था स्टार्टिंग में तो कैसा लग रहा था, एक सीधा साधा सा बच्चा सा लग रहा था कि पता नहीं, मतलब नहीं कि डरा डरा सा सहमा सहमा सा, जैसे छोटा सा बच्चा मुर्गी के अंडर से निकलता है उस टाइप का था ये। बिल्कुल मैंने आप लोग कंपेयर भी किया था, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अंग्रेज जब हमारी कंट्री में एंट्री कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो सारे राजा रजवाड़ों के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि हमको यहाँ पर थोड़ा व्यापार करने दो, हम ये सामान बेच ले क्या, ये खरीद ले क्या, यानी कि हाथ जोड़कर घुटनों पर एक तरीके से होने के जिल्ले इलाई कर रहे थे सारे। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर कोरोना की थी, पर लेकिन ये किस टाइम की बात की जा रही है, जब मुगल साम्राज्य था, जब यहाँ पर औरंगजेब जैसे ताकतवर राजा थे, उनको पता था जरा सी देर में तुम्हारी खिल्ली उड़ा दी जाएगी। तो उस टाइम पर यही हालत है कोरोना की, जब ये वुहान से निकलकर आया चाइना से, तो उस टाइम पर सीधा साधा बच्चा था, पर लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के टाइम पर कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बन गई यहां पर कोविड-19 जो और ज्यादा विकराल रूप में आया। तो इसका मतलब है कि मुगल साम्राज्य जो है वो अब ढलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि राजा जो रह गए वो कुछ ऐसे राजा रह गए जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा खस्ता है, और वो अपने आप ही अपने जो एरिया में सर्वाइव करने लायक नहीं बचे। तो उस टाइम पर उनका एरिया जो है वो दबदबा खत्म हो गया, और अंग्रेजों ने अपना और विकराल रूप ले लिया।
सेम कंडीशन कोरोना की देखने को मिली, कोरोना ने भी अपना और विकराल रूप ले लिया, इस टाइम पर यह सिचुएशन सामने निकल कर आई। अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य चौपट हो गया, मुगल साम्राज्य खत्म हुआ और अंग्रेजों का जो एक तरीके से रूप है वो बिल्कुल ऐसा हो गया, यानी कि अब फुल हथियार के साथ में अपनी दादागिरी चलाने लगे, टैक्स वसूल करने लगे, पूरा बिल्कुल दबदबा दिखाने लगे। तो यही कंडीशन अभी कोरोना की देखने को मिल रही है 2020 के बाद में 2021 तक। तो जैसे 200 साल तक यहाँ पर अंग्रेज रूल करके गए, इसी तरीके से 200 साल तक अभी ये कोरोना रूल कर जाएगा, क्योंकि ये तो तय है कि ये बीमारी हमारे साथ ही रहने वाली है, टाइम टू टाइम उभर उभर कर सामने आएगी। अब हम लोग कितना इसको झेल पाते हैं, हम लोग कितना इसको टैकल कर पाते हैं, कितना अपना जो बेसिकली जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी फैसिलिटी हम लोग बढ़ा पाते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना कंट्रोल इसको कर पाएंगे, वरना ये फुल टूक फुल हथियार के साथ में अब हमारे बीच में है। तो साइक्लोन भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में हल्का फुल्का सा हवा आएगी, फिर चीजें बढ़ेंगी और फिर एक विकराल रूप ले लेता है, जिसके चलते पूरे एरिया को चपेट में यहां पर ले लेता है। तो ये जो साइक्लोन है अभी यहां पर आप लोग देख सकते हैं केरला से होकर चला और अभी आने वाले टाइम में यहां पर गुजरात तक काफी ह्यूज इंपैक्ट यहां पर ये डालने वाला है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस साइक्लोन के बारे में। इसका नाम है ताउते, बेसिकली इसके वैसे तो यहां पर ताउते बोलते हैं, पर लेकिन यहां पर जो प्रोनाउंस करेंगे इसे, तो इन्होंने लिखा हुआ अभी यहां पर ताउते इसका नाम यहां पर रखा गया है। ये जो शब्द है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कहां से निकल कर आया, किसके द्वारा ये नाम दिया गया, तो यहां पर इसका मतलब होता है म्यांमार में गीको, ठीक है। तो बेसिकली लिजार्ड वगैरह आप लोग बोल सकते हैं, जो कि बर्मीज भाषा में इसको बोला जाता है। तो ये इसका नाम जो अभी रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है, ये नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो यहां पर जो अभी ये अरेबियन सी में ये साइक्लोन देखने को मिल रहा है, ये नाम दिया गया अरेबियन सी में किसके द्वारा, ये दिया गया म्यांमार के द्वारा, और म्यांमार काफी ज्यादा न्यूज में भी है, तो इसलिए भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि हमारी कंट्री में अगर साइक्लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एरिया में काम करती है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं IMD, ठीक है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहां पर अभी बोला गया कि 160 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर ये आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो स्पीड दे रखी है 160 किलोमीटर वाली, इसको आप लोग थोड़ा समझिए, जब यहां पर ये IMD जो है यहां पर ये सारी चीजें यहां पर बताता है हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करते हैं, तो इसके बारे में अगर बात करिए, जब जो स्पीड होती है ये 31 से लेके 50 किलोमीटर पर आर के हिसाब से होती है, ठीक है, तो तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डिप्रेशन कहलाता है। जब डीप डिप्रेशन हो जाता है, यहां पर नोट्स में दे रखी है स्पीड और यहां पर किलोमीटर में, तो मैं किलोमीटर वाली बता रहा हूं, ठीक है। जब डीप डिप्रेशन होता है तो 51 से लेके 62 तक होता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं जब 63 से लेके आप लोगों को 88 तक इसकी किलोमीटर पर आर के हिसाब से स्पीड देखने को मिलेगी। सीवियर साइक्लोन हो जाते हैं यहां पर, ये होता है जब यहां पर 89 से लेके 117 तक आप लोगों को इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। ये वेरी सीवियर साइक्लोन हो जाता है जब इसकी स्पीड आप लोगों को 118 से लेके 165 तक देखने को मिलेगी। तो ये जो साइक्लोन है इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आर के हिसाब से बताई जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि स्पीड ये है। अगर यहां पर स्पीड जो है 166 से ऊपर चलेगी तो ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा, और यहां पर इससे भी अगर ऊपर चलेगी 221 से तो ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये यहां पर इस तरीके का डिवीजन देता है जिसके द्वारा हमारी कंट्री के आसपास में अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की कंडीशन कैसी है, तो उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल अगर इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। यहां पर जो बात की जा रही है वो ये बोला जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर में, और ये जो बॉडी बनाई गई थी ये 1875 में बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है, जो कि हर्षवर्धन साहब के अंडर में है, और KJ रमेश जो है डायरेक्टर जनरल है, जो यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कराते हैं। एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है सफर। सफर का मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि एयर की क्वालिटी कैसी है और वेदर की फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम कैसे रहने वाला है उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। तो सफर जो है ये सिस्टम जो है ये मोस्ट एडवांस सिस्टम है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, अगर कोई दुर्गम कंडीशन देश में देखने को मिल रही है तो 72 घंटे पहले ये बता देता है कि भाई साहब संभाल लो अपने आप को, वरना बुरी कंडीशन हो जाएगी। संभालना कहां पर है, मान लीजिए कई सारे फिशरमैन मछुआरे हैं और वो पहुंचे हुए हैं यहां पर मछली पकड़ने के लिए, तो ये बता देगा पहले कि वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। अगर बारिश होने वाली है कहीं पर, बहुत ज्यादा डिजास्टर आने वाला है,
साइक्लोन बाढ़ बनाए गए यहाँ पर ये आगे चलकर, तो सबको आगाह कर दिया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को, या कोई टूरिस्ट घूमने जा रहा है इधर उधर कहीं पर, तो उसको बता दिया जाता है कि भाई साहब घर की तरफ को खिसक लो, वरना उसके बाद में हमारे मतलब उन्हें कहते हैं कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोग अपनी बॉडी की स्वयं रक्षा करें वरना हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हालांकि वो एक अलग बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आती है फिर चीजों को संभालने के लिए, पर लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि दिक्कत होने से पहले क्यों ना हम लोग अपने आप को सुधार लें। तो ये मोस्ट एडवांस सिस्टम है, इनोग्रेट किया गया था दिल्ली में जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और कई सारे एरिया में काम करता है, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली, तो आप लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा डेवलप किया गया? इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, ये कहां पर है? पुणे के अंदर में, इसके द्वारा ये बनाया गया, जिसको IATM बोलते हैं। इसको ऑपरेशनल, इसको कौन यहां पर ऑपरेशनलाइज करता है? तो मैंने बताया अभी IMD, यानी कि यहां पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहां पर इसको ऑपरेशनलाइज करता है। ये एयर क्वालिटी के बारे में बताता है, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताता है कि टेम्परेचर कैसे रहने वाला है, रेनफॉल होने वाली है, हवा की स्पीड कैसे रहने वाली है, उसकी डायरेक्शन कौन सी रहने वाली है, तो सारी जनगणना जो है हवा की ये यही करते हैं, ठीक है। तो ये इनके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन तैयार की जाती है। बाकी पोल्यूशन कैसे रहने वाला है हवा के अंदर में वो भी बताता है, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बताता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें इनके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसके द्वारा की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और इंपॉर्टेंट बात इसकी ये भी है, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है 24/7, यानी कि जो भी जहां पर घटित होगा उसके बारे में तुरंत आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन फैलाएगा। तो ये यहां पर इसका पूरा कार्यक्रम है जो इसके द्वारा यहां पर किया जाता है। तो इसी के द्वारा अभी साइक्लोन के बारे में बताया गया, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है साइक्लोन के बारे में ये याद रखेगा। नेवी टीम जो है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि साइक्लोन की जो औकात है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसके चलते बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, कई सारे लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो ये इसके बारे में एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि जो नॉर्मली जब जून का महीना आता है तो हमारी कंट्री में मानसून स्टार्ट होता है, तो मानसून जो स्टार्ट होगा उससे पहले यहां पर ये भी चीजें देखने को मिल रही है, और मानसून का भी बोला जा रहा है कि अब की बार काफी अच्छा रहने वाला है। हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम बारिश है वो मानसून के थ्रू ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बनती है और क्या क्या चीजें हम लोग नॉर्मल कर पाते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यहाँ पर ये बताई जाती हैं कि किस तरीके से हम लोग को चीजें को टैकल करना है। सबसे पहले तो चीज यार, अगर आप लोग कहीं पर भी इस तरीके की बातें करेंगे ना, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि हम लोग को घबराना नहीं है अगर कोई भी ऐसी चीजें बढ़े। इसकी बात नहीं कर रहा हूं ओनली मैं आप लोगों को, आप लोग जिंदगी में भी ये चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है ना कहीं पर भी, अगर इंसान घबरा गया तो ये समझिए आधी से ज्यादा दिक्कत तो क्रिएट कर ली उसने खुद ने, क्योंकि जैसे ही वो इंसान घबराया उस टाइम पर तुरंत आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो बहुत सारी ऐसी गलती कर देगा जो नॉर्मल स्वभाव में रहेगा तो गलती नहीं करे, उससे वो बच सकता था, पर लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में बात की जाती है कि सबसे पहले तो जहां पर आप लोग ऐसे एरिया में रहते हैं तो वहां पर एक तो कम्युनिकेशन मीडियम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताजा जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए क्या हो सकता है क्या होने वाला है। अपना घर जगह कहीं पर कोई लग रहा है कि कुछ टूटी फूटी चीजें तो उसको रिपेयर कर लेना चाहिए कि पहले से ही ये सिचुएशन यहां पर हो रही है, ठीक है। मौसम की जानकारी के बारे में आप लोगों को जो जो भी चीजें लगती हैं आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तो वो सारी सिचुएशन आप लोग अपने पास में चीजें अपने पास में रख सकते हैं। और उसके बाद में बिजली कट जाएगी, सड़कें खराब हो जाएंगी, पानी आना बंद हो जाता है कई बार, कोई सर्विस आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो उसके बाद में भी फिर कई सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोगों को संपर्क में रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी जो यहाँ पर ये जो ये लिस्ट है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लेना। केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया यहाँ पर कि शटडाउन कर दिया गया है पूरा, यानी कि कल से पूरा केरला शटडाउन रहने वाला है। अभी मैंने बताया था कि जैसे इलेक्शन निपटेंगे तो ये चीजें देखने को मिलेगी, पर ये चीजें अभी पैटर्न में देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है, पहले ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप लेकर बैठा था जब बोला गया था पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो इसके चलते पूरे देश में अफरा तफरी हो गई थी, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ये चीजें फॉलो करके चल रही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो बीमारी है, जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर, तो 3 लिस्ट हैं, पहली लिस्ट है सेंटर, दूसरी लिस्ट है स्टेट और तीसरी लिस्ट है कॉन्टिनेंट, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन बीमारी का हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये कहां पर आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि बीमारी अगर ज्यादा फैल गई है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो सेंटर और स्टेट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस बीमारी को टैकल करने के लिए। तो पहले यहां पर सेंटर के द्वारा सारे स्टेप उठाए गए थे, पर लेकिन अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के हाथ में दे दी गई है कि आप लोग अपने हिसाब से आराम आराम से जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाते रहिए ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके, क्योंकि कंडीशन ये बन रही थी
कि कहीं ना कहीं जब एक साथ लॉकडाउन लगाया जा रहा था तो सिचुएशन देश में ऐसी लग रही थी पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत सारे लोग डर जा रहे थे, ठीक है, सहम जा रहे थे, तो उसको चीजों को कम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आगे बात करें तो नेवी डिप्लॉय की जा रही है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके, और जरूरी भी है, इस तरह की कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है उनको बचाने की जरूरत हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आगे बात करें तो ये एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, देखिए ये तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जो नंबर ऑफ डेथ हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, नंबर ऑफ केसेस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, वो जेन्युइन केस नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं पाती है। अब किसी गांव में आप लोग सोचिए, किसी लोकल एरिया में किसी पर्टिकुलर इंसान की जान चलेगी, अब गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है, पता चला वहां कोई रिपोर्टिंग एजेंसी नहीं है, तो इसी तरीके से कई सारी डेथ जो होती है वो मिसिंग रहती है। 4,500 के करीब मिसिंग डेथ है दिल्ली के अंदर में, जो कि गवर्नमेंट के डेटा में देखने को नहीं मिल रही है। तो मिसमैच, ऐसा ही सेम मिसमैच आप लोगों को गुजरात में देखने को मिला था, जब ग्राउंड लेवल पर एक रिपोर्टर ने बताया कि देश के अंदर बताया जा रहा है कि 25 लोगों की जान जा रही है, गुजरात के अंदर 26 लोगों की जान जा रही है, 75-70 लोगों की जान जा रही है, पर लेकिन रियलिटी में कहीं 500 लोगों की जान जा रही थी तो कहीं 600 लोगों की जान जा रही थी। तो कंडीशन ये है, कहीं पर भी अगर आप लोग जाएंगे वहां पर लोगों को जगह नहीं मिल रही है कि किस तरीके से शमशान घाट में सिचुएशन को कंट्रोल करना है, यानी कि एक तरीके से वहां पर लोगों के जलाने की जगह नहीं है। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं कि यहां पर आप लोग देखेगा, अभी ये देखें, जब यहां पर गंगा रिवर के घाट पर जाकर भी लोगों को जलाया जा रहा था, जब जलाने की कंडीशन नहीं मिली, जलाने के लिए क्या था कि आप लोगों को देखिए, लोगों की श्रद्धा होती है कई सारी चीजों को लेकर, एक तो है कि इंसान को जलाया जा रहा है, अब यहां पर क्या हुआ कि जलाने के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठी करनी, वो सारी चीजें, और अस्थि तो बहाते ही है गंगा के अंदर, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिली कि बॉडी, डेड बॉडी गंगा के अंदर बहा दी गई, तो वो वाली चीजें भी यहां पर सामने निकल कर आई, यानी कि अभी यहां पर ये सारी जो कई सारी बॉडीज आ रही थी यहां पर गंगा के अंदर, आगे चलकर ये जा रही थी बिहार के अंदर में, तो यहां पर कई सारे एरिया ऐसे हैं हमारे देश में जहां गंगा के घाट पर जो अर्थियां हैं उनको जलाया जाता है। तो इस बार यहां पर अगर कोई सिचुएशन ऐसी लगी, किसी के पास में लकड़ी नहीं है, कोई और कंडीशन है, तो जिस तरीके से अस्थि बहाते हैं, तो एक तरीके से जो डेड बॉडी है उसको भी उसी तरीके से बहा दिया, एक तरीके श्रद्धा के तौर पर कि हाँ गंगा मैया जो है वो उसको संभाल लेगी, वो वाली चीजें यहां पर श्रद्धा रहती है, इसे फेंका किसी के द्वारा नहीं गया होगा, तो बेसिकली ये श्रद्धा रहती है कि हाँ ये चीजें संभाल लेंगे। तो कई बार ये देखने को मिलेगा कि कई जगह जो है यहां पर सिचुएशन जो है वो खराब है, यहां पर आज की डेट में लोगों को ये अलग अलग यहां पर इनके लिए सिचुएशन जुगाड़ करना पड़ रहा है कि जहां जहां पर भी लोगों को जलाना है उसकी जगह बढ़ाई जा रही है, एक्सपेंड की जा रही है। तो जब ये आंखों देखी चीज सामने निकल कर आ रही है, तो फिर रिपोर्ट में जब नंबर ऑफ केसेज है कम किए जाते हैं, तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि रियलिटी में हो सकता है कि चीजें और लार्ज स्केल पर हो। यही बातें सेम यहां पर पी चिदम्बरम साहब के द्वारा बोली गई है, बोला गया कि कोविड 19 की जो डेथ है वो अंडर रिपोर्ट की जा रही है, यानी कि इससे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सेम अभी यहां पर यूएसए की एक रिपोर्ट आई, उसके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि हमारी कंट्री में लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब बताया जा रहा है कि लोगों की डेथ हो चुकी है, पर उन्होंने बोला कि 7 लाख के करीब, आई थिंक 7 बोला है शायद उन्होंने, 7 या 8 लाख कुछ ऐसा बोला है कि हमारी कंट्री में लोगों की जान जा चुकी है, जो कि अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है, लोगों के सामने डेटा नहीं रखा जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, तो अंडर रिपोर्टिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इस तरीके से हम लोग अंडर रिपोर्ट करेंगे, अगर लोगों को डेटा नहीं मिलेगा, लोग इसको लेकर सतर्क नहीं होंगे, तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो जरूरी ये है कि एक तरीके से पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या होने वाली है, यानी कि इंसान को पता होना चाहिए कि अगर वो तैरने जा रहा है कि यहां पर पानी कितना गहरा है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि ग्रेव कितनी कंडीशन है, तो बाहर घूमेगा, एंजॉय करता रहेगा, जैसे पहले लापरवाही बढ़ती थी, सेकंड वेव आ गई, फिर से ऐसी लापरवाही बढ़ती जाएगी, तो वो वाली चीजें यहां पर सामने निकल कर आएगी। तो इसलिए हम लोग को ये समझना है और समझाना है, और अपने देश के जो सिटीजन है, यानी कि हमारे देश के जो नागरिक है, कम से कम उन पर भरोसा भी दिखाना पड़ेगा यार, अगर उन पर भरोसा नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर ये भी छापी गई है, अभी फिलहाल अगर बात करें कि कई सारे जो लोग हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो दवाइयां हैं वो बाहर देश में बेची गई और हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तो इसके क्वेश्चन मार्क लगाकर ये दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए कई जगह। तो 24 जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया इसके चलते, तो ये भी यहां पर एक केस देखने को मिला, ठीक है, यानी कि कई सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर, गवर्नमेंट को काफी खरी खोटी सुनाई जा रही है उनके द्वारा कि गवर्नमेंट जो है उनको पता था सारी चीजें कैसे टैकल करनी चाहिए, पर लेकिन उसको टैकल नहीं कर पाया, तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, और फिर यहां पर किसी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, और फिर अगर लोगों की जान भी चली जा रही है, तो उसके बाद में यहां पर देखने को मिल रहा है कि उनको काउंट भी नहीं किया जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ केसेज और कितने नंबर ऑफ डेथ ढंग से रियल इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसके चलते भी लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम है। और दूसरी रही सही कसर जो है, अभी यहां पर रिपोर्ट में भी ये छप रहा है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, पेंडेमिक है या फिर हमारी कुछ और प्रायोरिटी है, यानी कि जो दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको लेकर भी कई सारी ऐसी बातें की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप नहीं कर पा रही है, पर लेकिन ऐसे टाइम में भी जो हमारे देश में इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुक रहा है जो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है पार्लियामेंट के आसपास में, तो यहाँ से ये एक काफी लार्ज स्केल पर ये अभी प्रोटेस्ट भी चला था कि मोदी महल बन रहा है, वो कई सारी बातें ऐसी बोली गई थी यहाँ पर, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है वो हैरान थे कि ऐसा हो कैसे रहा है देश के अंदर में कि लास्ट पर लास्ट चिताई पर चिताई जल रही है और यहाँ पर हमारी कंट्री में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पर लेकिन मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है। तो ये कई सारे ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे। ये चीजें जरूरी है यार देश के अंदर, पार्लियामेंट बनाना सारी चीजें जरूरी है। आप लोगों को पता है डिलिमिटेशन कमीशन आएगा 2026 में, यहाँ पर चीजें बढ़ने वाली है हमारी कंट्री में, नंबर ऑफ सीट बढ़ने वाली है पॉपुलेशन के हिसाब से, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए वो समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया एक शानदार सा, मॉर्निंग से ये फॉलो कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे ही चीजें आगे बढ़ी आप लोग किसी और काम में लगे कि इसको बाद में कर लेंगे, तो ये प्रायोरिटी गलत सेट कर दी आप लोगों ने, तो तुरंत आप लोगों को बाद में रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार गलत टाइम पर गलत काम किया गया। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी आगे इन चीजों को रियलाइज करें, पर लेकिन जो भी है सही नहीं है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा, चीजें की रिक्वायरमेंट होती है टाइम के हिसाब से होनी चाहिए कि क्या सही है कहां पर, वो चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया अगर कोई डॉक्टर किसी की जान जाएगी कोविड-19 के चलते 50 लाख रुपए कंपनसेशन फैमिली को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया बिहार के अंदर 4 लाख मिलेगा। तो अभी यहां पर कई सारे ऐसे डॉक्टर जिनकी जान जा चुकी है 119 के करीब, तो बोला जा रहा है अभी यहां पर इस रिपोर्ट में कि ओनली एक ऐसा परिवार है जिसको अभी कंपनसेशन मिला है, यानी कि यहां पर कंपनसेशन भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये भी काफी बड़ी एक प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, जिनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिनके परिवार में एक इंसान की जान गई जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तो वहां पर भी ये बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही है। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हर एक लेवल पर कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी अभी रिसेंटली एक न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कई बार, उसमें ये बोला गया था कि जो अभी 16th वीक यानी कि 16 हफ्ते के करीब, 16 हफ्ते का टाइम देखे मोटे मोटे तौर पर 3 महीने हो जाता है, 3 महीने के बाद में सेकंड डोज लोगों को दी जाएगी, अभी फर्स्ट डोज दी गई है। तो इसके चलते अफवाह यहां पर फैलने लगी कि अभी दवाइयां जो हैं वो कम हो गई है, हमारे पास में दवाइयां नहीं है, तो उसके चलते लोग जो हैं भाग भाग कर और दवाइयां खरीदने लगे। पर लेकिन यहां पर अभी जो ये एक साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है इनके द्वारा, VK Paul जो चेयरमैन है यहां पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, यानी कोविड-19 की वैक्सीन कैसे लेकर चलनी है उसके बारे में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इनके द्वारा ये बोला गया कि ये गैप एक साइंटिफिक गैप है। उन्हें बताया कि चीजों को समझना जाए पहले कि फर्स्ट डोज दे दी गई है कि लोगों को और उसकी रिएक्शन क्या पड़ रही है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, उनकी बॉडी जो है वो किस तरीके से एंटीबॉडी डेवलप कर रही है, वायरस से लड़ने के लिए कैसे तैयार हो रही है, वो चीजें समझी जाएगी, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डोज आएगा। पता चला वो अलग रिएक्शन बॉडी पर आ रही है, कोविड-19 तो इतना काम नहीं कर रहा है, ये दवाइयां यहां पर लोगों को मारने लगी, तो वो इनके द्वारा यहां पर बातें बोली गई है। पर लेकिन बातें क्या हो रही थी कि कोविड-19 की दवाई अवेलेबल नहीं है, उसके चलते एक कंडीशन देखने को मिल रही है। अब पहले वाली चीज सही है या फिर ये सही है इसके बारे में तो कुछ भी कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन जो न्यूज है मेरा काम होता है देखिए न्यूज बताना, ठीक है, तो मैं आप लोगों को न्यूज बताता हूं। कई सारे बच्चे जो है उसके ऊपर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक आप भी बोला कीजिए आपका क्या व्यू रहता है। देखिए जो व्यू होता है वो मैं आप लोगों को एडिटोरियल में होता है तो एडिटोरियल वाला बताता हूँ। हाँ कुछ ऐसी गाइडिंग चीजें होती है वहां पर मैं अपना व्यू बताता हूँ कि आप लोगों को हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है, पढ़ाई को कैसे करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं अपना व्यू देना स्टार्ट अगर कर देता हूँ तो कई सारे लोग होते हैं जिनको फिर इससे प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा फिर बोलने लगते हैं कि सर अपना व्यू मत दिया करो, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल का जो व्यू रहता है वो उसका एक अलग व्यू रहता है, पर लेकिन वहां पर भी कई बार एक वो नहीं रहता कि एक इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए, एग्जाम में जो आप लोगों को लिखना है वो वाला व्यू आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम तो मैं आप लोग कोशिश करता हूं कि जो न्यूज़पेपर में लिखा है वही चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाए, उसमें अपना व्यू क्यों ही ना दूं। हालांकि यहां पर जब आप लोगों ने देखा कई सारे हाथी की जान जा रही थी तब मैंने बताया भी था कि यहां पर बोला था कि लाइटनिंग की वजह से बिजली कड़क रही है उसकी वजह से यहां पर ये चीजें जा रही हैं, लोगों हाथियों की जान जा रही है। अब एक ही जगह 2 हाथी इस कंडीशन में मरे हुए पाए गए, अब यहां पर दोनों के साथ में एक ऊपर एकदम आकर बिजली गिर गया। मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है, तो अभी यही ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इस तरीके से इतने हाथी नहीं मर सकते, ये नेचुरल कॉज नहीं हो सकता, कुछ और चल रहा है। तो टॉक्सिक चीजें कुछ देखने को मिल रही है, कुछ जहर के तरीके से या फिर कुछ खेतों में किसी ने कुछ डाल दी दवाई उसको खाकर मर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है या फिर कुछ और सिचुएशन इसके बैकग्राउंड में निकलकर सामने आ रही है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है यार इतने सारे हाथी मतलब मर रहे हैं, हर जगह बिजली गिर रही है, इतनी फ्रीक्वेंटली तो नहीं देखी हम लोगों ने बिजली गिरती हुई, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो सामने निकल कर आ रही है इसके पीछे इंसान की हैवानियत सामने रहती है, कुछ ना कुछ वो कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है और वही यहां पर बताई भी जा रही है। ओके,
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये है यहाँ पर गाजा के बारे में, जो गाजा और इसराइल के बीच में जो कंडीशन बनी हुई है। देखिए ये एक अलग लेवल पर चीजें यहाँ पर पहुंच गई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो लड़ाई है फिलहाल अभी फिलहाल जो इस लेवल पर पहुंची है ये स्टार्ट की गई है गाजा स्ट्रिप में, यहाँ पर जो गाजा में जो कम्युनिटी है उनके द्वारा, जिसको बोलते हैं हमास। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आता है, जिसके द्वारा यहां पर सबसे पहले ये बेसिकली ये स्ट्राइक की गई इसराइल के ऊपर इसके द्वारा बम्बार्डमेंट की गई, तब इसराइल ने इसको रिप्लाई किया है। तो इसराइल ने रिप्लाई किया तो इसराइल के साथ में यहां पर ये हरकतें की गई इनके द्वारा, अब वो रिप्लाई कर रहे हैं। अब इसराइल एक ऐसी कंट्री है यार, वो अपने देश को इतना ऊपर रखते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। हर एक सिटीजन के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ टाइम के लिए उसको आर्मी में सर्व करना है, सिटीजन उनके लिए सबसे सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा ऊपर इनके सिटीजन है। तो इसराइल के सिटीजन के ऊपर अगर कोई इस तरीके का अटैक करेगा तो इसराइल फिर उसको नहीं छोड़ेगा। तो इसराइल यहां पर इनको रिप्लाई कर रहा है, यहां पर ये चीजें बोली जा रही हैं कि इसराइल जो है यहाँ पर वो अपना बचाव कर रहा है। पर लेकिन बचाव में भी एक बात बोली जाती है कि वो बचाव इतना होना चाहिए कि सामने वाले को इनकी खत्म कर दो, क्योंकि इसराइल एक काफी ताकतवर कंट्री है, इसके सामने गाजा स्ट्रिप कुछ भी नहीं है। पर लेकिन इतना भी खत्म नहीं है गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर इसराइल अपनी मनमानी चला लेगा, उसमें भी कई सारी तरीके से वहां पर चीजें सप्लाई देखने को मिलती है। कई बार 2014 में भी लगभग इसराइल के द्वारा बोला गया था कि हम लोग इस एरिया को यहाँ पर निपटा देंगे, ठीक है, पर लेकिन वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। अभी भी फिलहाल यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप यहाँ पर मेंटेन है, पर लेकिन आसपास वाले एरिया से बिल्कुल इसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है इसराइल के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं वो कम देखने को मिले। देखिए आरोप दोनों ऊपर लगाए जाते हैं, कई सारे लोग तो गाजा स्ट्रिप पर यानी कि फिलिस्तीन बोलते हैं नॉर्मली इसको, फिलिस्तीन के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वहां पर एक्टिविटी ऐसी की जा रही है, कई सारे लोग इसराइल के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की जो नीति है ये चलती रहती है, जो इसराइल को पसंद करते हैं वो इसराइल का फेवर करते हैं, जो फिलिस्तीन को पसंद करते हैं वो फिलिस्तीन का फेवर करते हैं। पर लेकिन रियलिटी क्या होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए कि यहां पर लोगों की जान न जाए, वो चीजें सबसे बुरी कंडीशन क्रिएट करती है। टू स्टेट जो थ्योरी है यहां पर, टू नेशन थ्योरी की, जी उसके लिए इसराइल और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फिलिस्तीन होना चाहिए, तो वो वाली थ्योरी फॉलो करने की बात की जाती है, पर लेकिन वो भी यहां पर फॉलो नहीं की जाती है, कुछ अलग अलग सिचुएशन यहां पर देखने को मिल जाती है। तो देखिए ज्यूस कम्युनिटी जो है ना, उनके ऊपर हिस्टोरिकली अत्याचार हुए हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकली अत्याचार हुए हैं। जब जर्मनी में आप लोगों ने देखा होगा हिटलर ने कितने सारे ज्यूस को लपेट दिया गया था, ठीक है, उनको खड़ा कर करके उनको सबको निपटा दिया गया था। तो ज्यूस कम्युनिटी हमेशा से ये चाहती थी उनकी भी कोई एक कंट्री हो। तो जब यहां पर इनके द्वारा फिलिस्तीन वाले एरिया में आकर पैसा देकर अपनी जमीनें खरीदना स्टार्ट की गई स्टार्टिंग में, तो इनके द्वारा कोशिश की गई कि यहां पर आकर हम लोग अपना एक घर बना लें, तो वहीं से चीजें होना स्टार्ट हो गई। तो यहां पर पहले फिलिस्तीन वाला एरिया था, तो इन्होंने जमीनें खरीदी और ये एरिया जो है वहां पर एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, पर लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि चीजें आज तक इस लेवल पर पहुंच गई। आप लोग बोलेंगे यही एरिया क्यों चूज किया इनके द्वारा, ऐसी क्या इसकी क्या चीज थी ऐसी इसके पीछे, तो जेरूसलम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इनके रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेरूसलम की इंपॉर्टेंस यहां पर ये है, ये ज्यूस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन के लिए भी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, एक ऐसा ये पवित्र स्थान माना जाता है। तो यहां पर हर एक कंट्री इनमें से ये सोचेगी कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है ये हमारा जो है वर्चस्व इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर होना चाहिए। तो जब भी कोई झड़प होती है, रिलीजन एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है यार लाइफ का, कोई भी पर्सन जो है उसके रिलीजन के बारे में कुछ बोल देगा, तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिल जाती है। तो कंडीशन जो है कई बार काफी ज्यादा खराब भी यहां पर नजर आती है। पर लेकिन हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करिए आप लोग, इसराइल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कभी भी किसी कंडीशन में होते हैं, बुरी सिचुएशन में होते हैं, तो इसराइल हम लोग को हमेशा सपोर्ट करता हुआ प्रोवाइड नजर आता है। पर लेकिन फिलहाल जो है अभी ये होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन हुई है ये आगे चलकर एक नए वॉर का एक रूप नहीं ले ले, पता चला और भी कंट्री इसके अंदर जाकर कूद रही है, ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया के द्वारा बोला गया था कि इसराइल को सबक सिखाना चाहिए, इधर से ये निकल कर आए, उधर से पता चला इसराइल के सपोर्ट में कोई दूसरी कंट्री आ गया, तो ये माहौल काफी ज्यादा खराब हो सकता है। तो फिलहाल जो है ये इंडिया के फेवर में ये है कि हम लोग यहां पर शांति बनाकर रखी जाए, हम लोग हमेशा उसी चीज को सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्री को इसी तरीके से। अभी 21 से करीब लोग जो है ये इनको पकड़ा गया, एंटी इसराइल जो चीजें यहां पर अभी सपोर्ट की जा रही थी कई सारी ऐसी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जम्मू और कश्मीर में आप लोगों को पता है कई सारे लोग जो हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो कुछ ऐसी टेंडेंसी के हैं, सब लोग देखिए हर जगह एक जैसी टेंडेंसी के नहीं होते, कुछ लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं नॉर्मली कई सारे एरिया में, जैसे हमारी कंट्री में जैसे कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सहानुभूति रखते हैं पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, तो इसलिए अगर वहां से हथियार उनको भेजे जाते हैं, जैसे अभी मैंने बोला ड्रोन के थ्रू हथियार भेजे गए, तो उनको बस हथियार चाहिए, अपने लोग भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश में कुछ ऐसे
आस्तीन के सांप भी हैं जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती हैं, अपने ही देश के लोगों को मारते हैं, आप लोग देख सकते हैं ऐसी सिचुएशन नजर आती है सामने। तो ऐसे लोगों के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो लोग नहीं है, वो हैवानियत की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनकी एक अलग कैटेगरी है। पर लेकिन कंडीशन ये है कि जिनकी सहानुभूति इस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में होती है, तो वो जो लोग हैं उस टाइम पर वहां पर वो इस तरीके की कई बार एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं, तो वो तो एक अलग चीज है। पर लेकिन अभी फिलहाल हमारी कंट्री में दो गुट में चीजें डिवाइड हो गई हैं, कुछ लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते अगर कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है तो सिचुएशन जो है वो इस तरीके की देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं पर भी कोई भी पोस्ट करने से पहले एक बार सोच लेना कि ये पोस्ट करनी है या फिर नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उसका आप लोगों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़े, वहां पर वो गलत चली जाए पोस्ट और वायरल वगैरह हो गई और वहां पर वो पहुंच गई फिर गवर्नमेंट तक कि हाँ ये ऐसी गलत चीजें शेयर की जा रही है, तो आप लोगों को भी फिर धर दबोचा जा सकता है। तो इसलिए कहीं पर भी कुछ भी पोस्ट करने से पहले थोड़ा सोचेगा कि ये सही है या फिर गलत है। बाकी वायलेंस जो देखने को मिल रहा है गाजा में, तो ये आप लोग देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इसराइल के द्वारा जो फिर यहाँ पर रॉकेट दागे गए, तो ये चीजें हैं। और इसराइल के पास में तो मैंने आप लोगों को आयरन डोम का जो सिस्टम बताया था वो यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल कर ले रहा है, पर लेकिन इनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये सिचुएशन को संभाल लेंगे। तो कंडीशन जो है वो दयनीय है, तो चीजें जो है नॉर्मल होगी तो ही सिचुएशन सही रहेगी, बाकी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सही नहीं है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, और ये आगे अगर बढ़ती है तो उसको भी समझना पड़ेगा कि चीजें जो है किस लेवल पर जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधरनी चाहिए। आगे अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, जिनका नाम है लक्ष्मी थाथाचारी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, इनके द्वारा संस्कृत को काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट किया गया, और ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने संस्कृत का जो संस्कृत के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको यूज करने के लिए एंसेंट जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम लोग एक तरीके से डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भी इनका काफी बड़ा रोल रहा। तो इसलिए आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, इनके एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, ठीक है। प्रेसिडेंट अवार्ड भी यहाँ पर इनको मिल चुका है ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ में इनके द्वारा कई सारे जो प्ले वगैरह हैं जैसे फिल्म वगैरह उसमें भी रोल प्ले किया गया है एक दो में, तो कुछ बातें हैं जो इनके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री में एक अच्छी खबर ये, कल जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम देखने को मिले, 292,000 केस सामने निकल कर आए और 3,807 लोग अब हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पर बताई जा रही है। वैक्सीन का जो रेट है हमारी कंट्री में वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबसे बेस्ट इसराइल के अंदर है, फिर यूके के अंदर है, फिर यूएसए के अंदर है, फिर भूटान के अंदर है, फिर जर्मनी के अंदर है, फिर चाइना के अंदर, ब्राजील के अंदर। पर लेकिन कंपेयर करने भी एक ऐसे नहीं कि हम लोग अपनी कंट्री को इसराइल के साथ में कंपेयर करने लगे, इसराइल की पॉपुलेशन ही कितनी है और अपनी कंट्री की पॉपुलेशन देखें तो कंपेयर भी उसके साथ में करना है जिसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, जैसे कि यूएसए के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो वो चीजें सही रहेगी। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में हमारे लोग फंस गए थे अलग अलग देश में, तो वंदे भारत मिशन करके हम लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया था अपने लोगों को लाने के लिए, ये एयरफोर्स का मिशन था। मैंने नेवी का भी आप लोगों को बताया था, बताइए नेवी का क्या मिशन था, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो उस टाइम पर कई सारे लोगों को वापस लाया गया, तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला था अगर कोई भी वापस आएगा कंट्री में उसको जेल में डाल दिया जाएगा और फाइन लगाएगा, पर लेकिन कुछ फंसे हुए जो ऑस्ट्रेलियन हैं अभी यहाँ पर उनको वापस ले जाने की बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। लगभग 10,000 के करीब ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो यहाँ पर अभी जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो छांट छांट कर इनके चूज कर ही लोगों को भेजा जा रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया में ये महामारी ना फैले, तो ये सिचुएशन है सामने। अगर बात की जाए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के द्वारा भी लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया 15 दिनों के लिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, इवन प्राइवेट व्हीकल भी लेकर कोई बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि जो अपना खुद का वाहन लेकर भी नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो बैन है वो एक्सटेंड कर दिया गया बस के मूवमेंट पर भी 23rd of May तक का। तो मैंने केरला को बताया, मध्य प्रदेश हो गया, अलग अलग राज्य में आराम आराम से लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। अभी चाइना जो है उसकी एक कैप में एक नया फेदर यानी कि एक नई अचीवमेंट देखने को मिला, ये एक्टिविटी अब तक यूएसए और जो रशिया है उसके अलावा ओनली कर पाया चाइना। इनके द्वारा मार्स पर जो है अपना रोवर लैंड करा दिया गया है। नॉर्मली होता क्या है, देखिए हम लोगों के द्वारा जो भेजा गया था वो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर मतलब मार्स है, मार्स के आसपास में जाकर घूमेगा और उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, इन्होंने उसको धरती पर उतार दिया रोवर जो कि जमीन पर सतह पर घूमेगा। तो यूएसए और रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के बाद में चाइना थर्ड कंट्री बन गई है ये अचीवमेंट करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर सेंजू 5 करके इनका ये मिशन था, पहले अगर बात करें फर्स्ट मिशन जो इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा कई सारे मिशन भी आप लोगों को देखने को मिले, जैसे चांद के लिए चेंग फर्स्ट, ठीक है, इसी के साथ में तिंग गोंग फर्स्ट जो इनका मिशन निकल कर आया, तो ये कई सारे ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेस स्टेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ में जो कई सारे इनकी जो चीजें हैं यहाँ पर ये, अभी अगर आप लोग बात करिए तो इनके द्वारा चेंगी 4 भी छोड़ा गया था सतह के लिए चांद के लिए, ठीक है।
और मिशन मार्स के लिए था यहाँ पर, ये था तिनवेन फर्स्ट। तो ये चाइना के नाम आप लोगों को पता है कैसे होते हैं, तो ये आप लोगों को हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। पिक्चर आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, मोबाइल में इसको सेव कर लेना। कई बार कई सारे मिशन के नाम दे देते हैं एग्जाम में और मैच करने के लिए आ जाते हैं कि बताइए किसके साथ है मैच करता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे अगर बढ़ते हैं यहां पर, तो ईरान के अंदर आप लोगों को पता है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो 27 मई की बात की जा रही है। अभी यहां पर जो नए कैंडिडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, जो कि काफी फेमस लग रहे हैं, इनका नाम है इब्राहिम राइसी, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि हसन रूहानी साहब जो है यहां पर वो प्रेसिडेंट है, पर लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर उनकी काफी बेइज्जती हो गई देश के अंदर, वो इकोनॉमी को भी नहीं संभाल पाए। अब ये जो लीडर है ये चीजों को कैसे लेकर चलने वाले हैं, अगर डील साइन नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर सिचुएशन कैसे नॉर्मल बनेगी। तो कई सारी चीजें हैं जो कि खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, ठीक है, देखते हैं कैसे नॉर्मल सी हो पाती है। चाइना जो है उसके द्वारा बोला गया है कि एवरेस्ट पर लोगों को चढ़ना मना है, यानी कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो एवरेस्ट है वो चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो नेपाल की साइड से तो चीजें चल रही है, पर चाइना की साइड से उसको बंद कर दिया गया है। अभी यहां पर आप लोगों को बताया इसको नापा भी गया था, जो इसकी हाइट है वो थोड़ी बड़ी हुई बताई गई थी। तो आप लोग बताइए इसकी हाइट कितनी बड़ी थी, याद है आप लोग बताइएगा। चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों से बात की थी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर कई सारे राज्य के द्वारा गुहार लगाई गई थी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि अब इसकी मीटिंग अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि सिचुएशन को समझकर क्या रेट कम करना है, क्या चीजों को आगे लेकर चलना है। तो ये होता है, चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है वो चेयरपर्सन होती है काउंसिल की मीटिंग को, जो चेयर करती है। पावर राज्य के हाथ में अच्छी खासी है, तो याद रखिएगा। बाकी अभी वेस्टर्न घाट, अगर आप लोग देखिएगा अपनी कंट्री का मैप, तो यहां पर ये वेस्टर्न घाट आप लोग को देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर अभी यहां पर एक नई ये प्रजाति देखने को मिल गई है। तो यहां पर जो इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया यहां पर सबडो ल्यूसेप नील गिरीसिस, ठीक है। तो ये इसका नाम यहां पर रखा गया है, जो कि यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी वनरेबल की कैटेगरी में आती है IUCN के हिसाब से। IUCN इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका यहां पर अभी पता लगाया गया है। तो ये कहां पर चीजें देखने को मिल रही है आप लोगों को, तो वेस्टर्न घाट में जो कोयम्बटूर वाला एरिया है वहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बेसिक, कई बार यूपीएससी में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि किस कैटेगरी में है मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया कि ओलंपिक 2020 जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, और पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में कि कोई ओलंपिक जो है वो पोस्टपोन किया गया। तो ये ओलंपिक पोस्टपोन किया गया जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक, पर नाम यही है उसका 2020 इसका नाम रखा गया। तो अभी ये 23 जुलाई से यहां पर ओपन होने वाला है। तो यहां पर क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो कई सारे प्लेयर जो हैं उसको लेकर कंफ्यूज आ रहे हैं। अभी यहां पर जो रोजर फेडरर हैं वो भी यहां पर इस चीज को लेकर अभी बोल रहे हैं कि अभी कोई डिसीजन इसके ऊपर नहीं बन पा रहा है। अभी आगे क्या चीजें होगी, क्या फिर से इसको पोस्टपोन किया जाएगा या फिर कैंसिल किया जाएगा, तो वो समझने वाली बात होगी। तो जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।